हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की ओर की कोशिश। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको अपना होम टाउन वाला विलेज वाला घर दिखाऊंगा आज। तो आज मैं अभी आफ्टरनून हो चुकी है और अराउंड 1:30 PM समथिंग टाइम है, तो हल्की सी धूप भी ज़्यादा है, आप देख ही सकते हो। और ये मेरे घर का फ्रंट व्यू है जो आप पीछे देख सकते हो। ये बालकनी है नीचे के बेडरूम का। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे बुलेट जो है वो पापा का है, 1980s का। फिर ये आगे पूरा गार्डन। ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे कबूतरों का घर बना के रखा हुआ है, लेकिन इसको बहुत जल्दी निकाल के यहाँ पे स्टडी रूम का प्रोविज़न चल रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे घर पे अभी तक पेंटिंग नहीं हुआ है, तो स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे कर रहे हैं काम। ये गार्डन का व्यू है ऊपर बालकनी से, तो आप देख सकते हो कि मौसम कितना हसीन है। बादल अभी इतने क्लीन हो चुके, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हुई थी एकदम ज़ोरों से। और जैसे कि आप देख सकते हो पीछे, ये सारा फार्म ही फार्म है। यहाँ पे बहुत सारे मैंगो प्लांट्स हैं, जिसमें हमने लगा के रखे हैं केसर, अल्फेंजो और राजापुरी, ऐसे करके बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो और ये पूरा पीछे ग्रीनरी है एकदम। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि आपको समर टाइम में भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट मैक्सिमम 35 डिग्री तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए और यही रीज़न है कि आज तक हमारे घर में एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज मैं आपको मेरे घर का बैकयार्ड और आगे का फ्रंट व्यू और घर के आगे क्या क्या है और यहाँ पे हमने कितनी कितनी इश्यूज़ आते हैं मॉनसून में जब बहुत बारिश होती है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये वाला जो शेड है, ये पूरा गायों के लिए बना के रखा था। इस पर पहले 15-20 गाय हुआ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ 3 ही गाय है, क्योंकि मम्मी अकेले करते थे और हम सब ड्यूटी पे चले जाते हैं, इसलिए सिर्फ 3 ही रखे हैं, बाकी सब निकाल दिया गया है। चले तो मेन रोड से मेरा घर कैसा दिखता है वो आपको दिखाता हूँ अभी फ्रेंड्स। और घर पे जाने से पहले बीच में एक छोटा सा नाला है, जिसमें बारिश का पूरा पानी आता रहता है। ये जो नाला देख रहे हो, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है पूरे रास्ते पे, ऑलमोस्ट 3 फीट तक का। और ये पेड़, उसको महुआ का पेड़ बोलते हैं, जिसके फूल से शायद जंगलों में देसी दारू बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे फूल भी नहीं आते, कुछ नहीं आता, ये पेड़ ऐसे ही खड़ा है। और ये बिली पत्थर का पेड़ है। ये जो गार्डन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे पहले मेरा पुराना घर हुआ करता था ये पूरे एरिया में। तो उसको तोड़ के फिर यहाँ पे पापा ने पूरा गार्डन लगवा दिया है। अभी ये गार्डन लगाए शायद 1 मंथ भी नहीं हुआ है और इतना प्रोग्रेस हो चुका है। और अब हम जा रहे हैं फार्म पे, आगे की बात वहीं पे करते हैं। ये जो घर पे आपको नाला दिखा ना,
हम फार्म पे पहुंच चुके हैं। ये घर का ट्रैक्टर भी यहीं फार्म पे है, घास के लिए लाके रखा। हम अब जैसा कि देख सकते हो हम फार्म पे पहुंच चुके हैं और अब मिल्किंग का टाइम हो रहा है थोड़ी देर में, तो बाकी का डिटेल्स और आगे का वीडियो हम ऐसे ही आपके साथ शेयर करते रहेंगे। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एज मच एज यू कैन। और मेरा एक दूसरा चैनल है जो आप यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हो, श्री CSM डेयरी फार्म, जिस पे मैं अपने फार्म की सारी डिटेलें और छोटे बड़े जितने भी वीडियोस रहते हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी वापस से क्योर की कोशिश में।